हाय गाइज, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत सही होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को हमने बताया कि हम यहाँ पे क्लास 6 और क्लास 9 के लिए यहाँ पे सैनिक स्कूल का कोर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में और सिस्टमेटिक तरीके से आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी और बहुत ही फीजिबल अमाउंट में आपको एक कोर्स प्रोवाइड हम कर रहे हैं। तो अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है, आज का वीडियो हमने, आपको याद होगा, हमने क्लास 6 का एक वीडियो और अपलोड किया है जिसका नाम था मोशन, जो कि साइंस का एक चैप्टर है। तो उस मोशन वाले चैप्टर से हम यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप के हैं, हम वो आपके सामने शेयर कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने लिखा है वो ये लिखा है, अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स चेंजेस इट्स। अब इस वाले जो आपका डैश वाला पार्ट है इसको क्या कंप्लीट करेगा? तो देखिए, पहला है इसका ऑप्शन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दूसरा ऑप्शन टाइम, तीसरा स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू टाइम और डी ऑप्शन है ऑप्शन बोथ ए एंड बी, राइट। तो देखो, हमने क्या बात की थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता है, राइट। उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता। मान लो पहले वो जैसे मार्कर है आपका, इसकी सिर्फ पोजीशन चेंज होगी, T1 टाइम पे यहाँ पे, T1 टाइम, T2 टाइम पे वो कहीं और पे होगा, बट इसका स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, राइट। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम भी नहीं होगा, स्ट्रक्चर तो चेंज होता ही नहीं है, और बात रही ऑप्शन ए एंड बी की तो वो नहीं होने वाला। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन की। तो यहाँ पे इसने बोला है मोशन ऑफ अ व्हील कार इज, जो आपका व्हील कार है उसका जो मोशन होता है वो कैसा होता है, राइट। जो कार के व्हील का मोशन है वो आपको कैसा ही आपको बताना है। तो देखो, ऑप्शन क्या है, सर्कुलर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, तो देखो रेक्टिलिनियर तो होता ही नहीं है, तीसरा पीरियोडिक मोशन, ये भी नहीं होता, फिर बोथ ए एंड बी की तो बात ही नहीं होगी, सीधी बात है कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। और देखो, आपको अगर कंफ्यूज करना था क्वेश्चन के थ्रू तो यहाँ पे एक डाल देता हूँ रोटेशन, रोटेशनल मोशन, बट रोटेशनल मोशन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने बोला मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार, मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार क्या होगा आपका, वो आपका होगा सर्कुलर मोशन। अगर ये बोलता कि मोशन ऑफ द व्हील ऑफ इट्स ओन एक्सेस, अगर वो अपनी एक्सेस के अबाउट कौन सा रोटेशन, मतलब कौन सा मोशन करेगा, तो आपका होता रोटेशनल, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। और ऑब्जेक्ट में जो आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है उसके ऑप्शन में भी ऐसा कोई रोटेशनल मोशन का ऑप्शन नहीं है, तो आपको कन्फ्यूज तो होना ही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन जो है आपके सामने वो ये लिखा हुआ है, अ बाइक मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ सच दैट इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो आपको पढ़ के ही पूरा समझ में आ गया होगा, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन है कि वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। तो सीधी बात है, आंख बंद करके यूनिफॉर्म मोशन आप टिक कर दीजिए, नॉन यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। ये क्या करता है, अनइक्वल मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन, सॉरी, मैं आपके फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आ गया। तो देखो वो क्या आएगा, सीधे आप आंख बंद करके क्या कहोगे, यूनिफॉर्म मोशन, यानी ऑप्शन डी, पीरियोडिक मोशन नहीं होगा, रेक्टिलिनियर भी नहीं होगा और ना ही आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्या होगा सीधे, यूनिफॉर्म मोशन। अब चौथे क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं, अ कार मूविंग अराउंड अ क्राउडेड स्ट्रीट, अ कार मूविंग अराउंड अ क्राउडेड स्ट्रीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो, आप भी कोई कार चला रहे हो अपनी, अब वो क्राउडेड एरिया है, जैसे मान लो बाजार में आप अपनी कार लेके जाते हो तो आपको एक जैसी, एक समान गति आप नहीं रख सकते, एक जैसी स्पीड आपकी नहीं रहेगी, कहीं पे स्पीड कम कहीं पे ज़्यादा, क्योंकि वो क्राउडेड एरिया है, राइट। तो कैसा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में आप इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते। मान लो आपने 10 सेकंड कार चलाई तो आपने मान लो 100 मीटर की दूरी कवर कर दी, बट अगले थोड़ा आगे जा करके आपको क्राउड ज़्यादा मिल गई वहाँ पे, तो आप नेक्स्ट 10 सेकंड में शायद 50 मीटर भी क्रॉस ना कर पाओ। तो इसलिए कैसा मोशन होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी ऑप्शन कौन सा आएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन बी, राइट। तो ऑप्शन बी इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस तरह के आपको क्वेश्चंस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के देखने को मिलेंगे। तो आज के लेक्चर में आपने क्या डिस्कस किया बच्चों, हमने डिस्कस किया मोशन वाले चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत काम के थे। अगर आपको बेसिक पता है किसी भी चैप्टर का तभी आप उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, वरना आप ऑप्शंस में घूम जाओगे और अपना आंसर गलत कर बैठोगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने से पहले उसका बेसिक नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू।